खट्टी मीठी चटपटी रेसिपी जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर पर खट्टी मीठी और तीखी रेसिपी कैसे बना के खा सकते हैं। तो चलिए हम बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया एक कटा हुआ प्याज और एक नींबू, मेरे पास एक ककम्बर था उसको भी मैंने कट कर लिया है, और कटी हुई हरी धनिया, कटा हुआ टमाटर और थोड़ा 2-3 चम्मच जितना दही लिया है, उसको मैंने थोड़ा नमक डाल के मिक्स कर लिया है। मुरमुरे को मैंने हल्दी और नमक वाले कर दिए थे। तीखा बनाने के लिए थोड़ी लाल मिर्च भी डाल दी थी मैंने। अब मैं एक बाउल ले लूँगी, उसमें सारे मुरमुरे डालूँगी। घर पर पड़ी चीज़ों से मेरी तरह आप चटपटी रेसिपी ज़रूर बनाइए। बच्चों को चटपटी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। मैं अब इसमें डालूंगी कटे हुए ककुम्बर और कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी धनिया, सारी चीज़ें इसमें डाल दूंगी। सारे वेजिटेबल्स डालने के बाद मैं ऊपर डालूंगी अब दही, जो खट्टी मीठी बनाने के लिए। तो आपको मेरी घर पर चटपटी बनाने की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।